हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. लेट द स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4-8, एक्टिविटी 6.6. टेक अ रॉड्स एंड फ्लैट स्ट्रिप्स ऑफ अ मेटल. हमें एक रॉड लेना है और फ्लैट्स होना चाहिए. सी द एल्यूमिनियम्स और आयरन. वो तो या तो एल्यूमिनियम का हो सकते हैं या तो आयरन का ले सकते हैं. फिक द फ्यू स्मॉल वैक्स इन द पीसेस ऑन द रोड. मतलब कि हर डिस्टेंस के ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा वैक्स मतलब स्प्रेड करना है. एंड दिस पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस. और ये डिस्टेंस हमारा कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. क्लैम्प द रोड ऑन टू द स्टैंड. स्टैंड के ऊपर हम कर सकते हैं जैसे फिगर्स के अंदर हमें बताया गया है. इफ़ यू डू नॉट फाइंड द स्टैंड तो हम पुट द एंड ऑफ द रोड बिटवीन द ब्रिक्स. ब्रिक्स के बीच में भी लगा सकते हैं. नाउ द हीट्स ऑन अदर एंड्स ऑफ द रोड्स रॉड्स एंड ऑब्जर्व. अब हमें ऑब्जर्व करना है कि वैक्स पीसेस जो है वहाँ पर हमें क्या करना है, नील्स को स्टिक कर देना है. विच पीसेस फॉल फर्स्ट. अब वहाँ से हमें क्या करना है कि वहाँ पर जो कैंडल्स है, कैंडल से मतलब रॉड्स को बर्न करना है. एंड ट्रांसफर फ्रॉम हीट इन द एंड नियर एंड टू द फ्लेम्स इन द अदर एंड. मतलब कि हीट्स क्या होती हैं, ट्रांसफ़र होती रहती है. फर्स्ट एंड से लेकर लास्ट एंड तक हीट मतलब कि ट्रांसफ़र होती रहती है. एंड द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र हॉटर एंड टू द कोल्डर. मतलब हॉट से फिर लेके जाते कोल्डर, कोल्डर से फिर हॉटर पे जाती है. दैट इज मीन्स ऑफ के ऑब्जेक्ट इज नोन हैज द कंडक्शन ऑफ हीट इन सॉलिड. जनरली सॉलिड के अंदर ही ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है कि हीट ट्रांसफ़र होती है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. And do all the substances, जैसे कि इस फिगर्स के अंदर लिखा है कि कंडक्शन ऑफ हीट इन अ डिफरेंट मटीरियल्स. तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो हॉट वाटर्स एक ग्लास स्पीकर्स के अंदर ले सकते हैं और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब कि जैसे स्केल है, पेंसिल्स है, रबर्स हैं, राउंडर्स हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस को मतलब के कीप करके रख सकते हैं वहाँ पर. डू यू कंडक्ट द हीट. कौन कौन से मतलब के हीट को कंडक्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक्टिविटी 4.7 के अंदर बताया गया कि हीट वाटर इन द स्मॉल बीकर. हमें एक हीट वाटर्स करना है कि स्मॉल बीकरस के अंदर. एंड आर्टिकल सच स्टील, स्पून, प्लास्टिक, स्केल, पेंसिल, डिवाइडर, मतलब इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स हमें उसके अंदर कीप करके रखना है. टेबल स्पून होगी जो मेटल होगी, दैट इज़ द मेटल आर्टिकल. प्लास्टिक जो प्लास्टिक की जो स्केल्स होगी, दैट इज़ द प्लास्टिक आर्टिकल. वो हॉट होगी, नो. पेंसिल्स, नो. एंड द डिवाइडर्स, दैट इज़ ए यस. तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब मटीरियल्स होते हैं, दैट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. द मटीरियल विच अलाउ द हीट टू द पासिस थ्रू दैम इजीली आर कॉल्ड द कंडक्टर ऑफ हीट. जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, दैट इज द मीन्स ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. द मटीरियल विच डू नॉट अलाउ द हीट पासिस थ्रू दैम आर पुअर कंडक्टर. मतलब कि जो मटीरियल्स मतलब कि जो बिल्कुल ही हीट पासिस आउट नहीं होने देते, डेट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. जैसे कि सपोज को प्लास्टिक्स है, वुड्स हैं, एंड देट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एंड देट इज़ दिस नेम इज़ इंसुलेटर. इसका नाम क्या होता है? इंसुलेटर्स होता है. द वाटर एंड द एयर आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एंड देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस. मतलब कि यहाँ पर क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती रहती है. टेक अ राउंड द बॉटम फ्लास. हमें एक राउंड बॉटम फ्लास लेना है. एंड फील द 2/3 विथ द वाटर. और वो वाटर से हमें 2/3 पार्ट्स फील कर देना. प्लेस इन एंटर ट्राइपोड्स. ट्राइपोड्स के ऊपर प्लेस करना है. एंड मेक अ सम अरेंजमेंट प्लेस टू द सम अरेंजमेंट हमें प्लेस करना है. व्हाट डू यू हीट? प्लेसिंग द कैंडल बिलो. हमें उसके कैंडल से हमें बर्न्स करना है. एंड दैट इज द पुट द सम पोटेशियम परमैंगनेट. परमानेंट के क्रिस्टल्स हमें उसके अंदर पुट कर देना. एंड बिकम द फास्ट जनरली स्ट्रॉ. मतलब कि जेंटली स्ट्रॉ से हमें उसके अंदर से स्टेयरिंग्स करना है. एंड नाउ हीट द वाटर प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल. एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. ड्रॉ द पिक्चर व्हेन द हीटेड इन द वाटर्स. वाटर्स क्या होता है? हीटेड होता था. कोल्ड वाटर राइज अप. और कोल्ड वाटर क्या होता है? डाउन साइड्स में जाता है. एंड एट द सोर्स ऑफ हीट दिस वाटर कैन ऑल्सो गेट द हॉट एंड राइज. और ये वाटर्स क्या होती है? हीट होती रहती है और राइज होती रहती है. दैट इज मीन्स ऑफ कन्वेक्शन ऑफ हीट. इसे हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन ऑफ हीट. जो मतलब कि जो कोल्ड वाटर होता है मूव डाउन होता है, फिर वो गर्म होता है, फिर ऊपर जाता है. दिस प्रोसेस कंटिन्यूसली होल वाटर गेट हीट है. और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहता है और होल वाटर क्या होता रहता है? हीटेड होता रहता है. दैट इज मीन्स ऑफ कन्वेक्शन ऑफ हीट. हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर. हीट किस तरह से ट्रैवल करता है? डायरेक्शन स्मोक को, मतलब कि स्मोक जो होता है वो अपर साइड्स में जाता रहता है एंड राइज होता रहता है. एंड साइड्स कम टू द टेक प्लेस इन दिस वे द हेयर
गेट हीटेड इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज, और इस तरह से एयर क्या होती रहती है, हीटेड हो जाती है। अब हमारे एक्टिविटीज 4.9 हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।